अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बगैर किसी मशीन के मलाई से मक्खन निकालना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ली है 2 किलो मलाई, जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद मीडियम आंच पर गर्म कर लें। जब मलाई गर्म हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार लें। आपने इसको इतना गर्म करना है कि अगर आप उंगली डालकर चेक करें तो आपकी उंगली जले ना। अब मैंने लिया है दही 1/2 कप। इस दही को मलाई में डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको एक दस्तरखान से बांध लें और इसे मज़ीद किसी मोटे कपड़े में बांध कर जमने के लिए रख दें। आपने इसको ओवरनाइट जमने के लिए रखना है। अब 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये जम चुका है। अब एक लकड़ी का चम्मच लें और इससे इसको मुसलसल हिलाते रहें। पाँच से 7 मिनट मुसलसल हिलाने के बाद इसमें 1 कप नीम गर्म पानी डालें और दोबारा मिक्स करें। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, मैंने नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कि नीम गर्म पानी डालने के बाद मक्खन नज़र आने लग गया है। तो अब मैं इसको इकट्ठा करने के लिए इसमें बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालूंगी। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ डालने के बाद सारा मक्खन कंबाइन हो चुका है। हाथ की मदद से इस मक्खन को अलहदा कर लें और अच्छी तरह दबाकर लस्सी निकालने के बाद पेड़े बना लें। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से मक्खन निकाला है। आप मेरे तरीके से बिना किसी मशीन के मक्खन निकाल सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे और मेरी वालदा को दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।